हेलो, आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉन्ग टर्म शेयर टेस्ट में। और यहां पे आज हम बात करेंगे SBI कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज, इस स्टॉक या कंपनी के बारे में। एक संदेश है, जब मैंने इनकी वेबसाइट खोला तो यहां पे स्ट्रॉन्गर टुगेदर में पढ़ देता हूं, ताकि बहुत सारे लोग, हो सकता है जो कार्ड यूज़र भी, उनको भी ये सूचना मिल जाए। वी एट SBI कार्ड एक्सटेंड फुल सपोर्ट टू कार्ड होल्डर्स थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RBI's COVID-19 रेगुलेटरी पैकेज। अ मोराटोरियम ऑफ 3 months कैन बी अवेल्ड फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस। इस प्रकार से RBI की तरफ से निर्देश दिया गया था कि जो उनके जो भी टर्म लोन या कार्ड्स वगैरह हैं, उसके तहत जून 30 तक उनको जो है एक डिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होंगे, और फॉर द पीरियड ऑफ जो भी पर मंथ के हिसाब से, देखिए, इंटरेस्ट विल कंटिन्यू एट द रेट ऑफ अप टू 3.35% पर मंथ। मतलब मिनिमम ड्यू जो अमाउंट आती है, अब उसकी बजाय जो भी आउटस्टैंडिंग होगा उसमें आपको इतने परसेंट पर मंथ अप टू, तो अकॉर्डिंग टू वो जिस प्रकार से होगा, ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं SBI कार्ड स्टॉक के बारे में। इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 में स्थापित हुआ, शुरुआत हुई SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ SBI, इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट एडवांसेस एंड द नंबर ऑफ ब्रांचेस SBI करंटली होल्ड्स करीब करीब 74% ऑफ द प्री ऑफर। मतलब जो ये इशू ओपन हुआ था उससे पहले की जो स्थिति थी, अब जो है चेंज हो चुकी है। द कंपनी द सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर इन द कंट्री विद 17.6% and 18.1% मार्केट शेयर ऑफ द इंडियन क्रेडिट कार्ड मार्केट। जो भी भारत में बाजार है उसमें इनकी इतनी परसेंट जो है इनका कस्टमर बेस है, ठीक, कब्जा है। नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स एज मच है ना, ये 31 मार्च 2019 तक के आंकड़े यहाँ पे बता रहे हैं। SBI कार्ड्स ऑफर वाइड रेंज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स टू इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, इंक्लूडिंग लाइफस्टाइल रिवॉर्ड्स, शॉपिंग, ट्रेवल, फ्यूल, बैंकिंग, पार्टनरशिप कार्ड्स एंड कॉर्पोरेट कार्ड्स एट्सेट्रा। यही इनका काम है, और जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनके इसी हिस्से कमाई होती है, जब लोग शॉपिंग करते हैं, जब लोग कोई भी टिकट वगैरह बुक करते हैं, समझ गए होंगे। SBI कार्ड्स हैज़ पार्टनर विद सेवरल लीडिंग नेम्स अक्रॉस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग एयर इंडिया, अपोलो हॉस्पिटल्स, BPCL, इतिहाद गेस्ट, फूड बाजार, फैशन फूड बाजार, IRCTC, ओला मनी एंड यात्रा अमंग्स अदर्स। तो अब देखा जाए इस समय के माहौल में ये सारी जो सर्विसेज हैं मोस्टली बंद है ना, ना तो लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, ना तो लोग एयर इंडिया ट्रेवल करने जा रहे हैं, ना तो कोई पेट्रोल पंप ही जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी वाड़ियाँ निकाल ही नहीं सकते, घर से ही निकल पा, ना तो इतिहाद गेस्ट या फैशन IRCTC, ना तो वो ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हैं, या जो भी सुविधाएं होती ओला मनी, ना तो यात्रा, कुछ भी है, सब कुछ बंद है इनके सर्विसेज, ठीक है। एज अ सब्सिडरी ऑफ SBI द कंपनी हैज़ एक्सेस टू SBI's एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ 21,961 ब्रांचेज हैं, जो इनके लिए एक समझिए कि वरदान है, कि जो इनकी जो इनकी बॉस है भारतीय स्टेट बैंक, उनकी ब्रांचेस इनको यूज़ करने का अवसर मिल रहा है, जो इनके प्रमोटर हैं उनकी। भारतीय स्टेट बैंक का बहुत बड़ा नेटवर्क है और वो एक PSU बैंक है। द पार्टनरशिप इनेबल्स इट टू मेक मार्केट्स इट्स कास्ट टू ह्यूज कस्टमर बेस ऑफ 445.5 मिलियन कस्टमर्स। अब सीधे हम चलते हैं इनके जो है लिस्टिंग डे पे, कि किस उस दिन क्या स्थिति रही है। 755 का जो है इशू प्राइस आया था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे सारे बहुत सारे कस्टमर्स भी जो है नए जुड़ते, वो सॉरी कस्टमर नहीं, वो है सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं, तो उनको भी ये सूचना मिल जाया करे लिस्टिंग डे के क्या हालात रही। IPO प्राइस वाज 755 एंड ओपन हुआ 658 पे, ये BSE पे, NSE पे 661 पे ओपन हुआ, और लो गया 658 पे, हाई बनाया 755 का, और लास्ट ट्रेड यानी क्लोजिंग जो है 681 ऑन NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है ये, ठीक है। और अब देख लेते हैं बेसिक चीज़ें, जो आज तो मार्केट बंद है, आज सोमवार है, और जो लास्ट क्लोजिंग इसकी फ्राइडे को हुई थी 590 पे, और हाई जो बनाया था 769, यानी कि करीब करीब देखा जाए तो जो इसका इशू प्राइस था 755 उससे थोड़ा सा बढ़ के हाई बना होगा, और लो गया था 575 के आसपास।
और ऐसी संभावना, देखिए मैं यहाँ पे अनुमान या स्पेकुलेशन तो नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर करना कहना चाहूँगा, कुछ बिंदुओं पे जो है आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, हो सकता है आप लोग सहमत भी हों कि कुछ चीज़ें, देखिए वीडियो भागने से आप बचिएगा, इसमें मैं कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि हमें SBI कार्ड किस तरीके से लेना चाहिए, हमें SBI कार्ड में कितना पोटेंशियल नज़र आता है, प्लस क्या SBI कार्ड वाकई अभी सस्ते प्राइस पे है या महंगे प्राइस पे है। क्रमशः मैं जवाब दूंगा। पहली चीज़, तो अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखते हैं, जैसे पी रेशियो यानी EPS जो इसका है, या प्राइस टू बुक जो भी इसकी बुक वैल्यू और उसका स्टॉक प्राइस है, उस हिसाब से अभी ये मुझे महंगा लग रहा है। मुझे नहीं, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज काफ़ी महंगा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतने दिग्गज जो इसके प्रमोटर्स हैं और इतनी बड़ी संस्था से बिलोंग करता है, इनके पीछे जो बड़ा नाम है भारतीय स्टेट बैंक, उस वजह से लोगों को इसमें भरोसा है, विश्वास है, इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उसमें, जब IPO में अप्लाई किया था, आवेदन किया था। इत्तफाक से मुझे नहीं लगा था, मेरे हाथ नहीं लगा था, और अच्छा ही हुआ नहीं लगा था। कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी जो बड़ी पूंजी लगा के इसमें फंसे हों, वो निकलने की कोशिश में होंगे, कुछ लोग निकल भी चुके होंगे, कुछ लोग इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि और भी नीचे के लेवल, क्योंकि बहुत सारे स्पेकुलेशन जो मार्केट में अफवाह है, लोग फैलाते हैं कि 300 का हो जाएगा, 400 का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा, तो आप भी सुनते होंगे, तो आप बच नहीं पाते होंगे। प्लस करंट जो सिनेरियो है भारतीय बाज़ार का, या जो इनका कामकाज है, पूरी तरह से ठप पड़ा है। प्लस अच्छी बात यह है कि सिर्फ SBI कार्ड का कामकाज नहीं बंद पड़ा है, जितने भी उद्योग हैं भारतीय मोस्टली, वो सभी प्रभावित हैं, तो जिनके भी नतीजे आने वाले हैं, सभी के कोई बच नहीं पाएगा इस जो भी बंदी का, सबके नतीजे उसी के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं कि किसी के बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, किसी के ख़राब आएंगे। जो जिस प्रकार से रेगुलर काम करता आ रहा, सब प्रभावित हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ज़्यादा प्रभावित होंगी, कुछ कम होंगी, ये हो सकता है। तो उसी कड़ी में SBI कार्ड्स, हाँ, जो इसका कस्टमर है, अब जैसे कि उन्होंने सहूलियत दी है कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ना तो पूरा टोटल आउटस्टैंडिंग पे करें या मिनिमम ड्यू अमाउंट पे करें, ऐसा कुछ इन्होंने स्पष्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप ये भी लाभ इसका ले सकते हैं जो है मोरेटोरियम का, ठीक है, ऐसे में बहुत सारे लोगों को राहत भी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो इनके जो सेल्स वगैरह है, कि या तो जो नए कार्ड्स भी जो इशू किए जा रहे हैं उनकी अभी तक सप्लाई या बाधित है, या नए कस्टमर्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो बाधित है। दूसरी चीज़, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, ना तो वो इस कार्ड का यूज़ कर पा रहे हैं कि ऑनलाइन टिकटिंग, खाने पीने का ऑर्डर, या शॉपिंग, या एक्सेट्रा जो भी है, फैशन, कपड़े वपड़े, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, वो रुका पड़ा है। अच्छी बात यह है कि लोग इंटरेस्ट एटलीस्ट पे करेंगे, तो इनको वो मूलतः मिल जाएगा कि जो इनका पैसा इन्वेस्टेड है, लेंडर्स को जनरली उनका ब्याज अगर मिलता रहे तो भी ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, तो SBI कार्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। प्लस जब बाज़ार ओवरऑल मार्केट जब स्टेबल होगा, या जब उसके अच्छे दिन आएंगे, तो मुझे लगता है SBI कार्ड बहुत ही भूखा शेर है, स्पीड से भागेगा और लोग खरीदेंगे। कुछ बिजनेस समझना हमारे लिए इतनी ज़रूरी होता है, अगर हमने किसी ने 10 साल पहले अगर रिलैक्सो का बिज़नेस समझा होता, तो आज वो मल्टीबैगर, उसके बहुत सारे मुनाफे मिले, उस जो जिसने भी जो इतना प्राइस लगाया होगा। अगर किसी ने बजाज फाइनेंस का बिज़नेस समझा होगा आज से 10 साल पहले, आज वो बहुत फ़ायदे में, भले ही गिरावट है, लेकिन फिर भी उस समय का जो बाइंग प्राइस है आज बहुत ही बड़ी अमाउंट है स्टॉक प्राइस का। जिसने भी 10 साल पहले पेज इंडस्ट्री के बारे में समझा होगा, आज भी वो काफ़ी मुनाफे में है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज अगर हम SBI कार्ड के बारे में समझें कि जिस भी प्राइस में ये ट्रेड कर रहा है, अब अगर हमें ये महंगा लग रहा है, या लगता है कि हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, मार्केट क्या 9.5 या हमारा जो NSE का इंडेक्स है 8,000 से 9,500 के बीच में ही कंसोलिडेट होता रहेगा, या फिर अगर 7.5 का तोड़ता है लेवल, तो क्या 6,000 तक पहुंच जाएगा। कुछ भी कहना, ये एक स्पेकुलेशन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे में हमारे पास सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी बचती है कि अगर हमें SBI कार्ड लेना है, तो हम इसको कई प्रकार से ले सकते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसके हमारे पास 100 शेयर हों, हम 100 शेयर इसका ख़रीदना चाहते हैं, शेयर्स प्राइस वाइज छोड़ दीजिए। तो अभी लग रहा है कि हमें 600 के आसपास मिल रहा है, 590-600 के आसपास, और गिरता है तो अभी 600 के आसपास मिल रहा है, तो चलिए हमने 5 शेयर ले लिए, और नीचे गया तो हो सकता है 10 शेयर ले लिए,
ऊपर गया तो फिर 5 शेयर ले लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरा पूरा पैसा एक साथ मत डालिए, पूरे शेयर 100 एक साथ मत बाई करिए, है ना। इस तरीके से साल भर में, क्योंकि मुझे लगता है 5-6 महीने मार्केट में ऐसा कुछ बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला नहीं है, तो साल भर में आप अगर अपनी पूंजी को अलग अलग तरीके से निवेश करेंगे, क्योंकि आपको भी इसमें पैसे की ज़रूरत होगी, आपका भी काम धंधा प्रभावित हुआ होगा, आप भी अगर जॉब वाले हैं तो हो सकता है ट्रबल में होंगे, आप भी व्यवसायी हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी ट्रबल में होंगे, तो पैसा पूरा मत डालिए, कुछ कैश भी रखिए अपने पास। तो अच्छी कंपनियों को जो चुनाव, देखिए मैं यहाँ पे 25 पैसे, 35 पैसे, 1 रुपये या फिर मैंने 2 रुपये के पेनी स्टॉक के बारे में चर्चा नहीं की है। SBI कार्ड के बारे में जो अभी फ़िलहाल जो लिस्ट हुआ है तो अपने आप में ये राजा है, भले ही सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है HDFC फर्स्ट क्रेडिट कार्ड में, लेकिन अभी वो लिस्टेड नहीं है, तो बहुत ज़्यादा इसमें गुंजाइश मुझे लगता है कि फेयर वैल्यूएशन पे मिलने की कम है। फिर भी अगर आपको लगता है कि 300 मिल जाएगा या 400 मिल जाएगा या 500 की मिल जाएगा, तो आपकी अपनी किस्मत ज़रूरी है, तो उसमें उसी से लाभ मिल सकता है जब आप इसमें अलग अलग स्टेप में, थोड़े थोड़े स्टेप में, हर गिरावट में, हर ऊपर जाने पे बाई थोड़ा करते रहेंगे, तो आप बहुत बड़े लॉस से भी बच सकते हैं, है ना। और आपका लंबा समय होना चाहिए, आपका जो दूरदर्शी होना चाहिए कि हम इसको चलो 4-5 साल होल्ड करेंगे, तो संभवतः ये जो है आपको 8-10 गुना या 5 गुना या डबल या ट्रिपल आपके पैसे कर देगा, मुझे ऐसा लगता है। 16 मार्च 2020 को ही लिस्ट हुआ था, 10 रुपये की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है। तो यही बस मैं कहना चाह रहा था, आप कोई सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में कहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।